नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN 360। उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र में भैंसों को चारा देते समय घात लगाए बैठे गांव के ही युवक ने विवाहिता के साथ छेड़छाड़ी की। आपको बता दूं, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। फैसले का दबाव बनाने के लिए आरोपित युवक के द्वारा दबाव डाला जा रहा। पीड़िता ने लगाई SP से गुहार। आखिर क्या है पूरा मामला, हमारे संवाददाता राजेश गुप्ता के साथ देखिए। बेटा, क्या घटना घटी थी तुम्हारे साथ में? भैंसों को चारा डालने राजपाल नाम का व्यक्ति पहले ही से बैठा था, उसने मुझे पीछे से पकड़ा था, मैं उससे चुरा के भागी। अपने पति को बताया। आपका मुकदमा दर्ज हो गया है? नहीं। अब आप क्या चाहती हो? सजा दिलवाओ। क्या था? वो कहाँ का रहने वाला है ये व्यक्ति? आप पीलीभीत SP कार्यालय आए गए थे, क्या समस्या है आपकी? मैं जहानाबाद क्षेत्र का रहने वाला हूँ। 26/12/2022 को ये घटना हुई कि सुबह मेरी पत्नी चारा डालने गई थी घर, तभी राजपाल व्यक्ति वहाँ बैठा था, उसने पीछे से उसे पकड़ा, उसने छेड़छाड़ की उसके साथ में, तभी वो हाथ छुड़ा के भागी। जब उसने मुझे बताया तब मैं वहाँ गया, तो वो भागा मुझे देख के। और उससे क्या बोलते हैं, राजपाल व्यक्ति ने ये पहली घटना नहीं की, इसने तो और भी अन्य घटनाएं की थी। उसको मेरी पत्नी के साथ मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया है। मैं अगर गिरफ्तार नहीं हुआ तो मेरी पत्नी आत्महत्या कर लेगी और उसको जरूर सज़ा देनी चाहिए। मुकदमा कायम हो गया है? मुकदमा कायम हो चुका है। तो क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि वो उससे क्या बोलते हैं, कुछ पैसा दे के दलालों को लेके घूम रहा है और हमारे ऊपर झूठा कार्रवाई करके कि फैसले लोग फैसला कर लें, दबाव डाल लिया फैसले पर। आप लोग क्या चाहते हैं? हाँ, हम ये चाहते हैं कि हमारी पत्नी की जो घटना हुई है उसे सजा होनी चाहिए हर हाल में।